अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हमने पेज नंबर 84 पे हमें क्वेश्चंस दिए हैं, हमने वो करने क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 लॉटरी टिकट इज़ ₹200, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 टिकट्स। हमारे पास उन्होंने कहा है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी है, 10 है, ठीक है, 10 टिकट्स हैं लॉटरी टिकट्स, उनकी कॉस्ट क्या है, 200 है। हमने अब क्या करना है, कॉस्ट ऑफ हमने वन टिकट की हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 200 को हम किस पे डिवाइड कर देंगे, 10 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक वन टिकट की हमारी कॉस्ट क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अब हमने कितने की कॉस्ट फाइंड करनी है, 25 टिकट्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। टोटल टिकट्स कितनी है, 25, और एक टिकट की क्या कॉस्ट है, 20। आपने क्या करना है, 25 को 20 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास 25 टिकट्स की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लोथ इज़ ₹1500, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ द सेम क्लोथ कैन बी परचेज फॉर ₹15,000। उन्होंने क्या है कि कॉस्ट हमारे पास 5 मीटर कपड़ा है, उसकी कीमत ₹1500 है, ठीक है। पहले तो हमने कीमत 1 मीटर कपड़े की मालूम करनी है, तो हम कैसे करेंगे, 1500 को 5 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 1 मीटर कपड़े की कीमत आ जाएगी जो कि 300 है। तो फिर हमारे पास उन्होंने क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ₹15,000 हैं, आपने 15,000 में से आप कितना मीटर कपड़ा ख़रीद सकते हैं, तो 15,000 को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 300 पे, 1 मीटर की जो कॉस्ट है उस पर डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 20 से कैंसिल हो गए, 3 5 15 और 0 इसी तरह आ गया, तो हम कितना कपड़ा परचेज़ कर सकते हैं, 50 मीटर जो है हम कपड़ा परचेज़ कर सकते हैं 15,000 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपने खुद करना है। इसी तरह मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं आपको रफली समझा लेती हूँ। हमारे पास उन्होंने कहा 150 kg ऑफ शुगर की कॉस्ट बिल्कुल इसी तरह जैसा हमने ऊपर किया कितनी है, 3000 है। आपने पहले 1 kg की फाइंड करनी है, और फिर आपने, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 8500 रुपये हैं, तो आप उसमें से कितनी kg जो है चीनी ख़रीद सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ 7 sheets ऑफ पेपर वेट 28 ग्राम, कैलकुलेट हाउ मैनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वेट 2.5 kg। अब उन्होंने क्या, कितने नंबर, टोटल नंबर ऑफ शीट्स हमारे पास क्या हैं, 7 हैं, ठीक है, उन 7 का हमारे पास क्या वेट है, 28 ग्राम है, ठीक है। अब हमने पहले क्या करना है कि एक शीट का वेट फाइंड करना है, तो वो हमारे पास क्या आ गई, 4 ग्राम आ गई। अब हमें उन्होंने कहा कि आपके पास 2.5 kg का वेट है, उसके अंदर कितनी, यानी कितनी शीट्स होंगी, वो आपने तो पहले केजी से ग्राम में जाना है, उसके लिए आपने क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो 2500 ग्राम हो जाएंगी। 2500 ग्राम को आपने क्या करना है, 4 ग्राम पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास 625 नंबर ऑफ शीट्स आ जाएंगी, ठीक है क्लास। बाकी सवाल आपने खुद इसी तरह करने हैं। थैंक यू।